ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम मान्यताओं के आधार पर कर चुका है याचिकाओं का विरोध। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लेंगे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, लोकभवन में विधानसभा सत्र को लेकर करेंगे चर्चा। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित का यूपी विधानसभा का स्पीकर बनना तय, आज होना है चुनाव। यूपी के महोबा के पास महाकौशल एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतरी, 62 यात्री जख्मी, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 का मुआवजा, सिद्धार्थनाथ सिंह लेंगे जायजा। यूपी में नकल के खिलाफ एक्शन जारी, अब तक 54 सेंटर्स पर परीक्षाएं रद्द, 327 केंद्र व्यवस्थापक, 178 कक्ष निरीक्षक और 70 छात्रों पर FIR, 5,25,000 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। मेरठ नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा, विरोध करने वाले पार्षदों ने बैठक का किया बहिष्कार। उत्तराखंड में गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार देगी 2000 करोड़ का बजट, केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, हरिद्वार और ऋषिकेश की सीवर व्यवस्था होगी दुरुस्त। और कोलकाता के गोल्डन पार्क होटल में आग, 2 लोगों की मौत, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।